आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ नवरात्रि क्या है। 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है शक्ति की आराधना का, उपासना का व गुणगान करने का। तो आज जानते हैं माँ के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल होने के कारण इन्हें वृषभारूणा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मचरणी, माँ दुर्गा का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचरणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचरणी का अर्थ हुआ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ चंद्रघंटा, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। इन देवी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इन देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड़क व विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी की इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा, माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा का है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, इस कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी जाना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और यह सिंह पर सवार है। सभी हाथों में चक्र, गधा, धनुष, कमंडर, कलश, बाण और कमल है। माँ स्कंद माता, माँ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता का है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और सदानंद यानी कि 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माँ की इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाई तरफ की भुजा से कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। इनके हाथ में कमल व श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। माँ कात्यानी, माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यानी का है। कहा जाता है कि इन्होंने कात्य गोत्र में महर्षि कात्यान के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यानी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में खड़क अर्थात तलवार है और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा का सातवां रूप माँ कालरात्रि का है। इनका रंग अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड़क लौह अस्त्र है। इनका वाहन गधा है। माँ महागौरी, माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी का है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में त्रिशूल डमरू विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों साल तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया, जिस कारण इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ
सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का नौवा रूप माँ सिद्धिदात्री का है, जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री है। इनके हाथों में कमल, चक्र, गदा, शंख है। प्राचीन शास्त्रों में 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। ये 8ों सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।